दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अगले दो दिन इससे राहत नहीं मिलने वाली है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसाधन प्रणाली के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली की औसत वायु की गुणवत्ता 467 रही। दिल्ली के अलावा वायु गुणवत्ता की बात करें तो नोएडा में ये 472 रहा, ग्रेटर नोएडा में 458 और फरीदाबाद में 441 रही। राजधानी के फेमस चांदनी चौक में वायु की गुणवत्ता 393 रही, जो बहुत खराब श्रेणी है। दिल्ली में लोगों को खराब हवा से सांस लेने में दिक्कत और थकान की शिकायत हो रही है। सफर के मुताबिक इस स्थिति से दो दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा गुरुवार को वायु की गुणवत्ता और खराब गंभीर प्लस श्रेणी में पहुँच सकती है। आसमान में दो दिन तक बादल रहेंगे, ये पश्चिमी डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते रहेगा, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। 15 नवम्बर के बाद स्थिति में धीरे धीरे थोड़ा बदलाव होगा। हालांकि अन्य मेट्रो सिटी की बात करें तो मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता से लोगों को राहत है। पुणे में औसत वायु गुणवत्ता 97 है, मुंबई में 117 और अहमदाबाद में 191 रही।